चॉपर। वेलकम टू अनबॉक्सिंग इन इंग्लिश इन हिंदी। पिजन हैंडी चॉपर। तो अनबॉक्सिंग इन हिंदी में आज जब हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये पिजन हैंडी चॉपर, आप देख सकते हैं इसके आगे पीछे डिटेल्स कुछ लिखी हुई है वो वाली। और ये है जो, देखिए इसके अंदर दो तीन मॉडल्स आते हैं। ये वाला हमारा जो वो कितने यार वो था चॉपर जो वो, ये एल साइज वाला है, ठीक है ना। तो ये एल साइज वाला है मतलब लार्ज वाला है। तो इससे बड़ा भी आता है, एक्सेल भी आता है। परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था और मैंने सोचा एक और मंगवाया जाए और अनबॉक्स किया जाए और बताया जाए, क्योंकि आप सभी तो जानते ही हैं अच्छी चीज़ें हम लोग कितना पसंद करते हैं आप सभी के साथ शेयर करना। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। तो जनाब देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी गजब की लुक है इसकी, काफ़ी अच्छा स्टाइल है। और इसके नीचे रबर ग्रिप दी गई है ताकि ज़्यादा हिले डुले ना। और यहाँ पर जो हैंडल दिया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और इसका थ्रेड भी जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, जो कि कई सारे लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका अंदर से जो वो निकल जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर आप प्याज डालिए, टमाटर डालिए, छोटे खीरे जो आप बारीक करना चाहते हैं, लहसुन आप पीसना चाहते हैं, हरी मिर्ची की चटनी बनाना चाहते हैं, या फिर आप बनाना चाहते हैं धनिया की चटनी, पालक की चटनी, मतलब क्या क्या नहीं कर सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं आपके सामने मैं कुछ मैंने ट्राई किए थे प्रोडक्ट, जिसके अंदर प्याज भी मैंने कट करके देखा था तो काफ़ी अच्छे महीन बारीक हो गए थे। और मैंने टमाटर्स को भी ट्राई किया, टमाटर काफ़ी अच्छे जब वो पिस जाते हैं, कट जाते हैं, पिसने का मतलब अगर आपको बिल्कुल बारीक करना है ना इसके अंदर, तो आप इसको ज़्यादा बार फास्ट चलाइए। और अगर हल्के बारीक का मतलब कम बारीक करना है तो एक दो बार करके जब वो छोड़ दीजिए। जो सैलेड्स खाते हैं ना, जिनको मिक्स सैलेड और वेजिटेबल्स वगैरह मिला करके खाने की आदत है, उनके लिए दी बेस्ट चीज़ है ये। काफ़ी हैवी सी है, इतनी लाइट वेट नहीं है। और इसके अंदर ढक्कन जब वो आप देख सकते हैं इस तरह से सिस्टम दिया गया ताकि इसके अंदर ज़्यादातर पानी ना जाए और अंदर का मैकेनिज्म इसका ख़राब जो वो ना हो। इसके अंदर ये स्टेनलेस स्टील के ब्लेड जो दिए गए हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा शार्प है। कोशिश कीजिएगा इनको ज़्यादा पंगे मत लीजिएगा इनके साथ, मतलब छेड़खानी मत ही कीजिएगा तो अच्छा है। और इनको निकाल करके आप अच्छे से जब वो धो सकते हैं इस बाउल को सीधा, आप इसके अंदर प्याज काटे हैं, कुछ भी काटे हैं, अंदर जो भी चीज़ें मिक्स करके हैं वो यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश रिक्वेस्ट रहेगी हल्दी वगैरह बाकी चीज़ें इसके अंदर मिक्स ना करें, क्योंकि उनका कलर इसके अंदर रह जाता है तो आपको ये थोड़े दिन में गंदा सा लगने लग जाएगा, तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच के अंदर एक मैकेनिज्म दिया गया है, उसके ऊपर जाकर के ये लग जाता है। और ये सिस्टम लगने के बाद साइड में जब आपको लॉक सिस्टम दिया गया, लॉक लग जाते हैं जब भी हम बंद करते हैं। मज़ेदार है ये प्रोडक्ट, परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मैंने जब वो थोड़ा टाइम पहले खरीदा था तब थोड़ा सा सस्ता था, अब हल्का सा प्राइस बढ़ गया, आपको पता है महंगाई बढ़ गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिव दिया है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इनके तीनों साइज़ दिए हैं मैंने, इससे एक बड़ा भी आता है और इससे एक छोटा भी आता है, आप अपनी यूजेबिलिटी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक फैमिली के लिए इतना तो कम से कम चाहिए एल साइज़ वाला, या इससे बड़ा हो जो, अगर फैमिली छोटी है या फिर कह रहे हैं एक दो बंदे तीन बंदे हैं तो छोटे वाले से काम चल सकता है, फाइन नहीं है, ठीक है। परचेज करना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये वर्थ द मनी है, आप परचेज कीजिए, यूज़ कीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो ताकि ऐसी गजब के अनबॉक्सिंग्स आपको और देते रहें।